टाइप ऑफ गुड्स पढ़ा है ये सब? नो बेटा, नो सर, साक्षी ने लाल, चलिए तो आज की महफिल को शुरू करते हैं। यूँ तो बताना हम बहुत कुछ चाहते थे उनसे, पर उनके पास समय नहीं था। तो तुम्हारे पास बहुत समय है, तो मैं तुम लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लो सभी लोग कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता क्या है, क्या होता क्या है ये गुड्स? तो ध्यान रखना, गुड्स तो कोई भी जो चीज क्या है, दो कंडीशन पूरी करती है उसे हम गुड्स कहते हैं। पहला, टेंजेबल इन नेचर। क्या है? टेंजेबल इन नेचर प्लस जिसकी कोई क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू है। जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है यानी जिसका कोई रेट है, कोई प्राइस है, पर टेंजेबल इन नेचर होना चाहिए, जिसको आप टच कर सकते हो। अब एक बात ध्यान से समझ लेना कि इकोनॉमिकल वैल्यू होने का मतलब जो बिकने के लिए तैयार बैठा है मार्केट में, है ना, जिसका प्राइस है कुछ, ठीक है, खरीदार मिले ना मिले वो मैटर नहीं करता, पर जिसका कोई प्राइस है, क्लियर है बात, उसे हम गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है भाई, अब जरा इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना। एक तो सबसे पहला टाइप होता है नॉर्मल गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? देखो, नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है जिनका, यानी कि जब प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज होगा तो नॉर्मल गुड वैसे ही बिहेव करेगा, यानी कि नॉर्मल गुड क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। पर अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ये बात ध्यान रखना, इसका क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स है ना, तो तनख्वाह के बढ़ने से इसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, वो भी बढ़ जाती है, उसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। क्लियर है बात यहाँ पर? तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, यानी अगर हम कह सकते हैं तो इस पे इनकम इम्पैक्ट कैसा है, इनकम का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इस टाइप के गुड्स की डिमांड भी मार्केट में क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं, क्योंकि भाई इनके पास सैलरी आ रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? आगे देखो, उसके बाद आता है क्या आपका, दूसरे टाइप का गुड जिसको हम बोलते हैं क्या, लग्जरी गुड्स। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्जरी गुड्स को कई बार बच्चा समझ नहीं पाता। देखो, लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं, क्या होते हैं, लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका प्राइस हाई होगा तभी डिमांड क्या होगी। क्यों? क्योंकि इससे मिलती है फुल इज्जत सोसाइटी में, क्या बनता है इससे, अपना एक रोला होता है, मतलब केयर मचा देंगे, केयर,
बात को, यानी कि ये आपको क्या देता है, एक स्टेटस देता है। ऐसे गुड्स जब खरीद के लाते हो तो स्टेटस पे लगाते हो, ठीक है, आज मेरे पापा ने मुझे छोटा सा गिफ्ट दिया हो, iPhone 13 14 15 कितनी बिक गई पर दिया, पर कतई इज्जत, प्राइस जितना हाई डिमांड उतनी हाई, इनकम का इंपैक्ट इस पर भी क्या रहेगा, हाई। इनकम हाई तो डिमांड टपम टप चलेगी इसकी, इसका प्राइस गिर गया, इसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। अभी iPhone 4,000 रुपए का हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई नहीं खरीदेगा आईफोन, लोग खरीद ही इसीलिए रहे, क्यों, महंगा है। पहले बंदा टेबल पे खाना बाद में खाता है, हाथ बाद में रखता है, पहले अपना फोन रखता है, वो भी उल्टा करके जिससे लोगों दिखे, समझ लो, इज्जत है भाई मार्केट में, कुछ अपनी इज्जत है इसकी, क्लियर बात, कोई दिक्कत, बोलो। और इस पर इनकम इलेसिटी क्या रहेगा, मोर देन वन, यानी जितना इनकम बढ़ेगा उससे परचेज करने के लिए, इसको परचेज करने की अर्ज भी क्या करेंगे लोग, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद आते हैं वो गुड्स जिनको लोग देखना भी नहीं चाहते पर मजबूरी में खरीद रहे हैं, वो पैसा नहीं है, यानी इंटीरियर गुड्स, कार्टून की भाषा में कहें तो नोबिता है, कोई इज्जत नहीं है इसकी मार्केट में, पर इज्जत है ना गरीब की नजर में, क्या मतलब डोरेमोन, नहीं ध्यान दो, इंटीरियर गुड्स कब कब लोग खरीदते हैं, इंटीरियर गुड्स होते क्या है, जिनका ना स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, मतलब सेव खरीदने गए तो एक तो सेव होता है वो, मतलब प्यारे प्यारे से होते हैं ना, बिल्कुल मतलब बढ़िया से खूबसूरत से, है ना, दिल ही घुस जाता है जिन्हें देख के, एक सेव होते हैं जिनको नीचे जंगली आए हुए होते हैं, यही कोई इज्जत ही नहीं है, पानी मार के बेहोश करे हुए होते हैं, खड़े हो, या तो कुछ गांजा वांजा पी रहे हो, क्या होता है इन्होंने, इनकी कोई इज्जत नहीं है सेव की, ऐसे वाले सेव को पकड़ लेते हैं कौन लोग, जिनके पास इनकम क्या है, इनकम जिसके पास क्या है, इनकम कम तो डिमांड इसकी क्या होगी, हाई। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपए के 3 या 4 मोमोज खाए हैं, रेज योर हैंड, कोई नहीं है, सब अमीर हो, हाँ खाए आए ना कोमल। अब कोमल मान लो कल को तुम IDBI बैंक में मैनेजर बन जाओ, फिर भी खाओगी, अरे सर क्या बातें कर रहे हैं, वाह क्या, हैं, मैनेजर बन जाऊं या बात की, किसी भी बैंक में मैनेजर, मुझे वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है, बेटा तेरी वजह से हमारी वॉल्यूम खराब हो रही है, अगर किसी बढ़िया बैंक में मैनेजर बन गए, SBI की ब्रांच मैनेजर बन गई, हेड बन गई, तो अभी थोड़ी ना 10 के 5 मोमोज खाने जाओगे, पर तो वाह मोमोज चाहिए, नो ओवर एक्टिंग नहीं करते बेटे, गुड बुक में नहीं आना होता, रियलिटी है वो यही है, टाइम ही नहीं मिलेगा कि ठेली के पास खड़े हो पाओ, जब आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहुंच जाते हो, शाहरुख खान थोड़ी ना खड़े होकर गोलगप्पे वाले से भैया एक सूखी पापड़ी तो दे दो, ऐसा जब ज्यादा आने लगता है तो आदमी के स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो इनकम जब ज्यादा होगी तो डिमांड हाई हो जाएगी, और अगर इनकम ज्यादा है तो आप इसकी डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, एक बात ये भी ध्यान रखना, अच्छा ये भी एक बात याद रखना बच्चों, क्या इंटीरियर गुड्स का मतलब क्या है, जैसे अगर एक नई कार और ओल्ड कार में देखे तो ओल्ड कार क्या कहलाएगी, इंटीरियर गुड्स कहलाएगी, है ना,
सड़े सेब फल वगैरह जो होते हैं वो ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीरियर गुड्स कहलाते हैं, तो याद रखना। जैसे आपका वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर हाँ कहीं ना कहीं बस में ट्रेवल करना, भाई बहुत पैसे वाला आदमी बस में ट्रेवल नहीं करता ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, इंफीरियरिटी है, पर लग्जरी में क्या आ जाता है ना, बेंस चलाना, पॉर्श चलाना लग्जरी है। नॉर्मल गुड्स में क्या रहे, टीवी भाई, आप मान लो आपका क्या कहते हैं, 40-50 रुपए किलो वाले सेब खरीदना नॉर्मल है। क्लियर? किसी में आता कोई डाउट तो बताओ। इंफीरियर की बहन है जिसका नाम है गिफ्ट इन गुड्स, क्या कहता है? गिफ्ट इन गुड्स समझो, ध्यान दो तो बात पल्ले पड़ेगी। गिफ्ट इन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गलती से ही, मान लो जो क्या हो रहे हैं, जब इंक्रीज इन प्राइस होता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में नहीं आएगा? थोड़ा बहुत ध्यान समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझ। जैसे सपोज करो, मान लेते एग्जाम्पल, ये मान लो आटा और मीट, ठीक है, और मान लो प्राइस, समझना बहुत ध्यान से। प्राइस मान लो 10 रुपए किलो है, क्या है, 10 रुपए किलो मिल रहा है क्या, मान लो मीट, और 100 रुपए किलो मान लो मिल रहा है क्या, आटा। पहले के टाइम पे ना, मतलब आज से 60-70 साल पहले ना, आटा महंगा हुआ करता था और मीट सस्ता हुआ करता था, ठीक है? तो मीट मान लो 10 रुपए किलो था और आटा 100 रुपए किलो है, और तुम्हारी इनकम जो है वो मान लो कितनी है, बहुत ध्यान समझना, इनकम मान लो कितनी है, 10 रुपए। तो बताओ तुम क्या खरीदोगे? तुम्हें अपना पेट भरना है, अपने परिवार का पेट भरना है, दोनों में से क्या खरीदोगे बच्चों? मीट, बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि आटा तो कुछ आएगा ही नहीं, 100 ग्राम आटे में तो पेट भरेगा नहीं। चलो अब मीट का रेट बढ़ करके 20 रुपए किलो हो गया, ठीक है, और तुम्हारी इनकम भी बढ़ के मान लो 20 रुपए हो गई, अब तुम क्या खरीदोगे? बताओ अभी नहीं कुछ अभी भी मीट खरीदोगे? तो देखो जरा क्या हुआ कि मीट का प्राइस बढ़ने के बावजूद भी, तुम्हारी इनकम बढ़ने के बावजूद भी तुम खरीद तो क्या रहे हो, मीट ही खरीद रहे हो, क्योंकि तुम क्या नहीं खरीद सकते, आटा खरीद ही नहीं सकते। तो यानी ये कहने का मतलब है कि चीप गुड्स को ज्यादा खरीद रहे हो, क्योंकि नॉर्मल गुड्स क्या नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? क्लियरली समझ में आ रही है? और यस सर। ऐसे ही गुड्स को क्या बोलते हैं, गिफ्टिंग गुड्स बोलते हैं, जिनका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इनकी डिमांड क्या हो जाती है,
जाती है जबकि है घटिया। एक गाना नहीं है जिसकी कुछ लाइनें ऐसे हैं कि तन्हाई से तंग आकर के हमने एक बेवफा से दोस्ती कर ली। मतलब पता है कि बंदा अच्छा नहीं है, पर क्योंकि हमें अपना लोनलीनेस था जो हमें मार रहा था अपने आप में ही, हमने मतलब गलत आदमी से भी क्या कर ली, दोस्ती कर ली। क्यों? क्योंकि हम अच्छा आदमी तो अफोर्ड कर नहीं पा रहे और लोनलीनेस हमें मारे जा रहा है। भूख हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते और आटा हम अफोर्ड कर नहीं सकते, तो मीट हमें पता है कि गलत है, बट उसके बावजूद भी हमने मीट को क्या कर लिया, अपना लिया। समझ में आ रही बात यहाँ पे? बोलो। क्लियर है बात यहाँ पे? बोलो। हेलो। तो एक सेइंग कही जाती है, ध्यान से सुन लेना, कि जितने भी गिफ्ट इन गुड्स होते हैं वो होते तो क्या हैं, क्या है भाई? इंफीरियर गुड्स। पर सारे इंटीरियर गुड्स गिफिन नहीं होते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे इंटीरियर गुड्स हैं जिनका प्राइस अगर बढ़ा तो बंदा डिमांड नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर बात? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसे गुड्स परचेज कर लेते हैं, ये समझ के परचेज कर लेते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है, इंक्रीज इन प्राइस होता है, बट तो गुड्स क्या होंगे, क्या होंगे? बेटर तो होंगे ही। ठीक है, मतलब अगर प्राइस बढ़ा है तो हमारे माइंडसेट में ये कहा कि अरे प्राइस अगर अच्छा है, महंगा है, तो बढ़िया तो होगा ही। अगर 1.5 लाख कोचिंग का ले रहा है तो भाई ऐसा मतलब फर्जी बिल्कुल इंजेक्शन तो मारते ही होंगे, घोपते ही होंगे। ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? बेबलिन या स्नो गुड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सरोजिनी नगर जाके या कहीं बड़ी मार्केट में, कहीं मॉल में जाकर के क्या खरीद लेते हैं, किसी घटिया ब्रांड के या डिजाइनर के क्या? जैसे मैं एग्जाम्पल के बताऊं तो, अब डिजाइनर कपड़े अपने खरीद लिए, काम का कुछ नहीं है, लहंगा खरीद लिया मनीष मल्होत्रा का, वही सेम लहंगा आपके पड़ोस में टेलर बना के दे देगा 20,000 रुपए में, पर आपको मनीष मल्होत्रा का ही नाम का चाहिए। क्यों? मनीष मल्होत्रा ने खुद पहना है उसे, वो भी तो किसी टेलर से बनवा रहा होगा ना, वो खुद थोड़ी ना कैंची लेके काट रहा है। ठीक है, पर हमें बीमारी है कि डिजाइनर हुआ है तो ले रहे, मनीष मल्होत्रा खुद पहना के गया था। हाँ, घर में आया था। ठीक है, पर क्यों? क्योंकि हमें पता प्राइस ज्यादा है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ महंगे कारपेट लोग अपने घरों में डालते हैं, ये अकबर की बुआ इसी पे लेटी थी, यही वो कारपेट है जिसपे अकबर चलता था भाई, ले आए ठाके। अबे तुम अकबर हो, समझ रहे बात को? ये वाला सीन। उसके बाद आते हैं कौन से, उसके बाद आता है कौन सा गुड्स, मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स कौन से होते हैं?
जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है। जिन गुड्स को कौन प्रमोट करता है? गवर्नमेंट प्रमोट करती है, गवर्नमेंट कह रही है इसका यूज करो, ठीक है। खुद गवर्नमेंट मोदी जी आके घर पे कह के जा रहे हैं, अरे बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, जैसे आप लोग देखते होगे लड़कियों के लिए आजकल बहुत ज्यादा किस चीज पे जोर दिया जाता है, पैड्स पे, भाई पैड यूज करो, सरकार प्रमोट कर रही है ना, जिससे माँ जिससे क्या आता है सोसाइटी में, क्या आता है सोसाइटी में, बोलो भाई, कहते हैं बिल्कुल पॉजिटिविटी की लहर दौड़ उठती है, पागल ही हो जाती है पब्लिक, क्या बात कर दिया। मोदी जी खुद आए हैं, जैसे अभी मोदी जी ने ड्रम डिस्ट्रिक्ट उसकी सब्जी बनाना सिखा रहे हैं। अब भाई मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अचानक से देखना पागल हो जाएगी पब्लिक, कहेगी क्या बात कर दी मोदी जी, मोदी परांठा परांठा सॉरी परांठा बनाना सिखा रहे थे। तो मेरिट गुड्स वो होते हैं जिसको कौन प्रमोट कर रहा है, खुद भगवान एक तरीके से। और डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं, ये शहर को हुआ क्या है, कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं, मिलिए मनोज से, मनोज मैं पहले बहुत तंबाकू खाता था, और एक दिन तंबाकू ने मुझे खा लिया, कृपया कर तंबाकू ना खाएं। मनोज है, मनोज की अपनी जान जीवन कथा चल रही है। डीमेरिट गुड्स जो नेगेटिविटी को दिखाते हैं, छोटे छोटे पैक बनाते जाओ, जिंदगी को दारू में मिलाते जाओ, दारू से बचें, खुशहाल जीवन पाएं। समझ में आई बात? नेगेटिविटी, अगर कुछ खाना है तो विमल खाओ, है शाहरुख खान खा रहा है, अजय देवगन खा रहा है, तुम कहाँ उलझ गए हो दारू वारू में, पहली पसंद देश की क्या विमल, सिगरेट हो गई जैसे। ध्यान से सुनना, ये कहलाता है डिमेरिट गुड्स। क्लियर है बात यहाँ पर? हेलो, बोले यहाँ पर किसी को यस बोलो सर। भैया, सब क्लियर है, आगे बढ़े बालक। चलो एक पता है, मतलब एक मेरे को मेरी मम्मी कहानी बताती थी। तो क्या हुआ, एक औरत थी तो वो तेल की लाइन में लगी हुई थी, तेल बट रहा था, तो भाई वो जब उसका नंबर आया तो भाई तेल बांटने वाले ने बोला कि अम्मा तुम्हारे हाथ में ना तो पन्नी है ना कुछ है, तुम तेल कैसे लेके जाओगी। तो उसने बोला है लल्ला का कह रहे हो है, तेल ले मेरी ये साड़ी में बांध दे थोड़ा सा। बोला अम्मा पागल वागल हो गई हो क्या, तेल गिर जाएगा। नहीं, बोला 13 को जा रहा है लल्ला, सरकार फ्री में तो दे रही है, ला बांध दे, कुछ तो घर पहुंचेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब कोई चीज क्या मिलती है आपको, फ्री में मिलती है, फ्री की होती है, तो सिचुएशन आती है क्या, फ्री राइडर, यानी कि आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हो तो, और फिर देह त्याग देते हो, यानी कि विदाउट पेइंग जब आप उस चीज का बेनिफिट उठा रहे हो, विदाउट पेइंग टेकिंग बेनिफिट, जैसे कि नॉर्मली इन दिल्ली के अंदर विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द लेडीज, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक की बिजली लेडीज के लिए बस फ्री है,
इतना जोर पड़ता है हमारे दिल्ली में भैया औरतों को कि फ्री की टिकट मिलती है उसको भी लेने के लिए नहीं उठ के जाती हैं। समझ रहे बात, ये कहलाती है फ्री राइडिंग सिचुएशन। और इसमें ही होता है मिस यूज, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, खत्म ही हो जाते हैं रिसोर्सेज में। क्लियर है बात यहाँ पर कौन समझाए हमारे मित्र को, अर्थात हमारे केजू भाई को। ध्यान दो आगे। उसके बाद आती है भैया सिचुएशन क्या, अब कुछ लोग इसमें कहेंगे नहीं नहीं सर डेनमार्क में भी तो फ्री में मिलता है, सर स्वीडन में भी तो फ्री में मिलता है, सर ओ माय गॉड आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है तो मैं उनकी उनकी बुद्धि को क्लियर करने के लिए बोल दूं, ये इंडिया है स्वीडन नहीं है। जितना स्वीडन डेनमार्क और इन लोगों की पॉपुलेशन है ना, मैं अपनी दिल्ली की बता सकता हूँ, हमारे दिल्ली में नाले में से जब कूड़ा निकलता है ना कूड़ा, उतने लोग तो उसे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो कूड़ा निकल रहा है, ओ हो ये तो स्वाद आ रहा है जीवन में, चलो देखते हैं खड़े होके। ठीक है तो सर देश, इतनी बेइज्जती मत कर दीजिए, हाँ इतनी क्या बेइज्जती कर रहे हो सर। ठीक फिर सुनाई नहीं आया, तू पता नहीं क्या ही जर्मन बोल रही है। तो इसलिए फ्री में पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि लोग वेल मैनर्ड नहीं है यार। जिस देश में अभी लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि टॉयलेट दीवारों पे मत करो, हाँ क्या कहते हैं, आप किसी दिन अगर आपको लग रहा है ना भारत बिल्कुल बदल गया है, तो आप किसी दिन ना पब्लिक टॉयलेट में जाना, वहां कॉकरोच सुसाइड कर रहे हैं भाई, इंसान की तो बात ही छोड़ दो, बिलक बिलक के मर रहे हैं। 3-4 कॉकरोच तो मेरे पास आके बोल के गए भैया निकलवा दे यार यहाँ से। मैं सुलभ शौचालय की बात नहीं कर रहा जिसमें 5 रुपए लेते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो बिल्कुल खुला छोड़ रखा है पब्लिक टॉयलेट, मारा ही नास ही पीट रखा है भाई, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता किस लेवल की गंदगी है। तो है खूबसूरत लोग हैं, फील प्राउड ऑन अवर कंट्री, ध्यान दो। उसके बाद है क्या, प्राइवेट गुड्स, वहीं पे देखो तुम, जो मेट्रो चल रही है जो कि सेमी गवर्नमेंट है उसमें थूक के दिखाओ, थूकते हैं कुछ लोग मतलब बहुत रेयर भाई, पोछा तुम्हारे शर्ट का पोछा बनवा लेगा बंदा अगर थूकते हो पकड़ लिया तो, गुटखा उसमें भी खाते हुए जाते हैं लोग, बस वो अंदर थूक लेते हैं, वो विमल को बाहर नहीं आने देते, केसर केसर का दम अंदर ले जाते हैं। प्राइवेट गुड्स जो क्या है, जो एक तो एक्सक्लूसिबल है, क्या मतलब इस बात का, जिनको एक्सक्लूडेबल कर दिया है, यानी कि अगर यूज करना है तो पे तो करना पड़ेगा, ठीक है, और जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, राइवल्स जुड़े हुए हैं, यानी कि कंपटीशन है, तो अगर तुम अच्छा नहीं देगा तो मैं कहीं और चला जाएगा, ठीक है, तुम अच्छा नहीं दोगे तो मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, देखो मतलब ये शायद लड़के ज्यादा रिलेट कर पाएंगी राइवल्स वाली बात पर, कि वाइफ और गर्लफ्रेंड में किसकी ज्यादा इज्जत होती है कौन बताएगा मुझे, वाइफ और गर्लफ्रेंड में ज्यादा इज्जत किसकी होती है लड़के के लिए, बोलो मैं 101% लिख के दे सकता हूँ गर्लफ्रेंड की, क्योंकि यार राइवल्स अवेलेबल है यार, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई मोहल्ले में घूम रहा है, तुम बदतमीजी करो कि राइवलरी पता नहीं कहाँ चली है, वाइफ का क्या है, बेचारी आ गई अब तो घर, अब उसके बाद तुमने अपनी नौटंकी शुरू कर दी है ना, वो बोलिए मूवी दिखाने ले चलो, तुम कह रहे हैं मूवी जाएगी, चलो बैठ जा घर में बच्चों को देख, गर्लफ्रेंड को बोल के दिखाओ तुम, हो गया कि ऐसा सुन कल से मतलब दिख मत जी, दूर हो जा बिल्कुल कतई जीवन से एकदम आंख हो जाए, कभी तो था ही नहीं जिंदगी में। तो जब प्राइवेट गुड्स की बात आती है, राइवल्स अवेलेबल है, तुम अच्छा नहीं दोगे तो कोई और अच्छा देगा, तो कोई और अच्छा देगा तो कहीं और चला जाएगा व्यक्ति, समझ में आ रही है बच्चों, रास की बात तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सुखी जीवन के सत्य ध्यान दो, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। हाँ ठीक है, पब्लिक गुड्स तो बताने की जरूरत नहीं है, क्लब गुड्स भी बताने की, वो तो खैर नॉर्मल गुड्स हैं। अच्छा एक बात देखना है, फ्री राइडिंग वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये जिसके साथ स्टार्ट होती है उसी को बोलते हैं पब्लिक गुड्स। अब जैसे मैं आपको दिल्ली के बस वालों की बात कर रहा हूँ, यानी बस के जो चालक हैं, ड्राइवर, वो कई कई स्टैंड पे तो बस ही नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि इनसे कोई जवाब नहीं मांग रहा कि तुमने कलेक्शन कितना करके लाए हो। प्राइवेट वाले देखो भर भर के बस लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जवाब दे ही है, गेटिंग माय पॉइंट। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट आया क्या? बोलो भाई, बोलो। पब्लिक गुड्स नहीं क्लियर हुआ ज्यादा। पब्लिक हाँ अरे पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं मेरे लाल, एक तो जो एक्सक्लूडेबल नहीं है, जिनको सब यूज कर रहे हैं, जो पैसा दे भी ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन एक्सक्लूडेबल है। क्या बस में बैठने से कोई रोक सकता है किसी को? दूसरी नहीं, बात, जिनकी कोई क्या नहीं है, राइवल नहीं है, उन्हें कोई कोई कंपटीशन में मतलब ही नहीं है, बैठो तो सही ना बैठो तो सही। ये देखो प्राइवेट कोचिंग वालों के बिजनेस क्यों इतना ज्यादा चल रहा है? अच्छा क्योंकि भाई मेहनत करते हैं टीचर्स, क्योंकि इनकी तनख्वाह इस बात पर बिलीव करती है कि हम भैया देख बढ़िया नहीं पढ़ाया तो कल को इंस्टीट्यूट वाला बोल देगा भाई तुम रहने तो तुमसे नहीं होगा, हम कोई दूसरा टीचर ढूंढ लेंगे। अगर मैं सरकारी टीचर बन गया भाई साहब, मैं बता रहा हूँ मैं आतंक मचा दूंगा। बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं जाके बोल दूँ मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, तो बोला था हमारी क्लास में बच्चे ने पूछा था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे मेरी क्लास में बच्चे ने बोला सर इंग्लिश पढ़ा था, उसमें बोला तेरे बाप ने कभी इंग्लिश पढ़ी तो तू पढ़ेगा, उसे कोई टेंशन ही नहीं है, निकाल के दिखा नौकरी से निकालेगा ही नहीं, कंप्लेन ही नहीं करने जाएगा। जो बच्चा कंप्लेन करने जाएगा उसकी मार्कशीट में रंग दूंगा लाल रंग से। राइवलरी भी तो हो गई, पर प्राइवेट स्कूल्स को देखो, दे आर मोर डिसिप्लिन, टीचर बिहेव इन अ वेरी वेल्ड मैनर, दे यूज वेरी स्पेसिफिक वर्ड, इफ यू स्पीक इन हिंदी यू हैव टू पे द फाइन, ओ माई गॉड वेयर इज योर टाई, हमें टाई बच्चों आधे बच्चे को सरकारी स्कूल के टाई नहीं बांधनी आती, मुझे खुद नहीं आती। तो जब ये दोनों ही चीजें हैं तो भैया फ्री राइडर की सिचुएशन भी आएगी, जो पैसा दे रहा है वो भी घूम रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा वो भी घूम रहा है, रिसोर्सेज के मिस यूज होंगे। समझ में आ रही बात? दलिया लेने के लिए स्कूल जाओगे बस? सर, ठीक है आगे देखो। हाँ अभिजीत, क्या पब्लिक गुड्स तो बहुत अच्छा है। हम एग्जांपल एयर भी तो हो सकता है, एयर भी तो हो सकता है। एयर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ठीक है, पब्लिक, वो कहते हैं एयर को नहीं कहेंगे, एयर बेस्ट एग्जांपल नहीं कहलाएगा, क्योंकि एयर अच्छा पे गवर्नमेंट का कंट्रोल तो नहीं है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। हाँ ऐसा थोड़ी ना मोदी जी कह देंगे ये हवा में सोख लूंगा, राहुल जी तुमको नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक एयर फ्री फ्री सिनेरियो में आ जाता है, फ्री गुड्स में आ जाता है। ठीक अच्छा ठीक है सर, समझ गया। पब्लिक पार्क कह लो, देखो आगे उसके बाद आ जाते हैं। देखो जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, सुनने गाना सुना तुम लोगों ने? ये वाली बात सुनिए तुम लोगों ने कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम? अरे हाँ है ना, तो बोलो निकम्मो। नहीं सुनी? किसने गाना ही नहीं सुना है कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है? दीपिका जी आपने सुना है? कह रही सर मैं यही गा के बड़ी हुई हूँ, है ना? तो अब ऐसे कुछ गुड्स भी होते हैं, जैसे कि देखो इन्हें तो पिक्चर भी याद है, कहीं वो स्वेटर आप ही तो नहीं बना रही थी? मैं सही हूं ना, मैंने बिल्कुल स्टोरी सही बताई ना, मैं तो जीनियस हूँ क्या? देखो नेसेसिटी गुड्स, थैंक यू दीपिका जी अपना खतरनाक इनपुट देने के लिए।
नेसेसिटी गुड्स वो होते हैं जो चाहिए ही चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पर एक नान खटाई वाला आता है, यस सॉल्ट नेसेसिटी गुड्स में आता है। सॉल्ट हो गया। अब देखो इसके प्राइस से ना डिमांड पे कोई खास फर्क इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ भी प्राइस हो, 1 लाख रुपए भी अगर हो जाएगा, बाय चांस हो गया, तब भी नमक इंसान उतना ही खाएगा जितना उसको चाहिए। समझा क्या पब्लिक? जैसे पानी, अब ऐसा थोड़ी ना पानी फ्री में मिलेगा तो डूब जाओगे इसमें जाके, वेस्टेज कर सकते हो सकता। हाँ बस ये होगा, 1 लाख रुपए देगा तो खीरे के साथ नमक नहीं खाओगे, फिर खीरा ऐसे खाना पड़ेगा, है ना, घर वाले मानेंगे, और नमक कहीं गलती से गिर गया था नीचे। आगे देखो, उसके बाद आता है गुड्स के दो और टाइप आ जाते हैं, कौन कौन से? एक क्या बना रहा था मैं, पता नहीं क्या बना रहा। एक जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये वो होते हैं कौन से, हम साथ साथ हैं, ठीक है, यानी जैसे कि बहुत फेमस है क्या आपका, अब जैसे अभी आज का लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं तो ई व्हीकल। अब ई व्हीकल जो है उसमें बैटरी बैटरी जो है वो क्या कहलाएगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों साथ में यूज होंगे। अगर बैटरी के प्राइस हाई हुए तो ई व्हीकल के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। दोनों साथ में ही क्या चाहिए, जिनको साथ में क्या करते हैं, यूज करते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तुम ही अकेली हसीना इस दुनिया में नहीं, ऐसा कोई घेर के पीटा जाता है, ध्यान दो। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जैसे कि पेट्रोल की कार वर्सेस सीएनजी की कार। अब पेट्रोल की कार ना मिले तो सीएनजी वाली चला लेंगे, क्या दिक्कत है, जब दोस्त की कार चलानी है तो आगे भरवाना तो सही है, ठीक है ना। नहीं दीपिका जी, दीपिका जी, कार एंड पेट्रोल कैसे हो जाएगा भाई साहब सब्स्टिट्यूट में, जहां पे एक के बदले दूसरा, जिसके रिप्लेस करते हैं, यानी कि जो क्या है अल्टरनेटिव गुड्स होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो कि मान लो दीपिका ने बोला 2 पैक बनाने हैं सर, मैंने कि दीपिका क्या चाहिए, बोले सर पेप्सी ले आओ, मैंने कहा ठीक है, मैं गया बाहर पेप्सी ढूंढा, पेप्सी नहीं मिली, मैं कोको कोला ले आया, दीपिका जी चल जाएगी दारू में, दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे, अरे सर दारू इम्पोर्टेंट है, पेप्सी कॉक का क्या करना है, पीता तो मैं भी नहीं हूँ, ओनली गांजा गांजा गांजा, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, हेलो अभी तक तो नहीं है सर। आगे आएगा तो मैं बताऊंगा भी। उसके बाद देखो बच्चों दो और गुड्स के टाइप देख लो, एक होता है कौन से पता है दीपिका जी, आपके नाम की हमारे यहाँ पे टीचर भी पढ़ाती हैं, क्या देखो एक होता है कैपिटल गुड्स, इसलिए मैं आपका नाम दीपिका जी करके बार बार ले रहा हूँ, कैपिटल गुड्स, दूसरा होता है कंजम्पशन गुड्स। ये भी जरा ध्यान दे लो, कंजम्पशन गुड्स होते हैं जो नीड या डिजायर को पूरा करते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो
वेल्थ क्रिएशन करके देते हैं। मान लो मेरी एक डेयरी की दुकान है, क्या है, मेरी डेयरी की शॉप है, तो बताओ भाई, अगर मैंने भैंस खरीदी, क्या खरीदी, एक भैंस ब्लैक पिंक कलर की, पिंक कलर की भैंस लेके आया मैं, तो बताओ वो कहाँ आएगी, कैपिटल गुड्स में, कंजम्पशन गुड्स में, एक डेयरी वाले के लिए क्या होगी वो भैंस। कैपिटल हाँ, सारे पैसा कमा के देख लिया सोने वालों। अच्छा, वहीं पर अगर मैं ईद वाले दिन लेके आ गया एक भैंस, और मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ, ईद है, बकरा ईद, उस दिन मैं एक भैंस खरीद के लेके आया या बकरी खरीद के लाया, तो वो मेरे किस में आएगी। कंजम्पशन गुड। अगर मैं एसी डेयरी के लिए खरीद के लेके आ रहा हूँ तो क्या आएगा, कैपिटल गुड्स और अगर वही एसी मैं अपने घर में लगा रहा हूँ, वाइफ के कमरे में, समझ कंजम्पशन गुड्स। में आ रही है बात। याद रखना, कैपिटल गुड्स और यस सर। कंजम्पशन गुड दोनों पर ही क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है क्या, जो वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। ठीक है जी, किसी कोई डाउट बोलो, बताओ भाई। सभी को क्लियरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू बच्चों।